तो हाँ भाई, आपने सोच लिया है कि यार YouTube बड़ा सही प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि इधर नाम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ तो है। ये देखने के बाद इस साल आप भी चाहते हैं कि आपका भी एक खुद का YouTube चैनल हो, है ना? तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? YouTube पर जाना, सर्च करना हाउ टू स्टार्ट ए YouTube चैनल, और फिर अच्छे से 3-4 वीडियोस देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही आप अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हो तो आपको ध्यान आता है कि भाई टाइटल मस्त होना चाहिए, थंबनेल मस्त होना चाहिए, टैग्स बढ़िया होने चाहिए, एंड बूम। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि शायद से आपकी जो है क्रिएटर वाली जर्नी को जो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगी, एंड आपको जो है ये लॉन्ग टर्म सक्सेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको एक बात और बता दूँ कि भाई ये टिप्स जो है ना कोई भी थंबनेल से रिगार्डिंग नहीं होने वाली। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि थंबनेल क्लिक बेट बनाओ या क्लिक बेट टाइटल डालो, ये सब ऐसी कुछ नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन टू दोज टिप्स। गियर डजंट मैटर। अब भाई मैं ये $1,000 का कैमरा लगा के उसके ऊपर फिर ये 30,000 का लेंस ठोक के और साथ ही साथ ये इतना ट्राइपॉड लगा के मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि गियर डजंट मैटर, बट टू बी ऑनेस्ट गियर डज मैटर, एंड गियर डज मैटर टू दोज पीपल हु रियली वांट टू मेक देयर करियर इन फिल्म मेकिंग। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ऑडियो एक्सपीरियंस पे काम करिए, क्योंकि एक बारी को अगर आपकी वीडियो जो है 720p में भी हुई बट अगर आपकी ऑडियो बकवास हुई ना तो फिर आपका जो ऑडियंस है वो शायद से सुनने में उन्हें मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको कहीं पैसे भी लगाने तो वो माइक पे लगाइए। तो ₹800 का आप कोई भी माइक खरीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पे पैसे लगाइए ताकि आपकी ऑडियंस को एटलीस्ट एक चीज जो कि बहुत पसंद आए कि आपकी आवाज जो है वो इजिली जो है कम्युनिकेट हो पाए, कोई भी नॉइज ना हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गियर डजंट मैटर। तो ओवर द टाइम आप चीज़ें सीखेंगे भी, आप इन्वेस्ट भी करेंगे, बट व्हेन यू आर ग्रोइंग योर यूट्यूब चैनल और व्हेन यू आर इन योर अर्ली स्टेज, तब आपके लिए गियर मैटर नहीं करने चाहिए। तो बॉस आप वो वाली वीडियोस बनाइए जो आपको खुद देखना पसंद है, क्योंकि आप भी तो यूट्यूब पे किसी क्रिएटर को फॉलो करते ही होंगे, और अगर आप फॉलो करते भी हैं तो हो सकता है कि जो वो चीज़ करता है उससे आपको खुशी मिलती हो। तो अगर उसको देखने से आपको खुशी मिल रही है तो क्यों ना आप भी एक वीडियो को ट्राई दीजिए। हो सकता है कि जो चीज़ आप YouTube पे बनाएंगे उसे देख के किसी और को खुशी मिलेगी। तो अगर किसी और को खुशी मिल रही है तो गोल तो पूरा हो गया ना। अब देखो पैसा वैसा ना बात की बात है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मज़ा आ रहा है कंटेंट बनाने में और किसी को मज़ा आ रहा है आपकी वीडियोज़ देखने में, तो शायद से एक तरह का ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट ही हो गया है ना। बाकी फिर जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, अपनी पहली वीडियो को जो है अपनी 100 वीडियो से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि हम अपनी वीडियोस में क्वालिटी ऐड करें या फिर हम अपनी वीडियोस को जो है ज़्यादा क्वांटिटी से बनाएं। अब देखो जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना वो आप ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि अपना चैनल जो है YouTube का स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन दी क्वांटिटी व्हेन यू आर एट द बिगिनिंग स्टेज। मतलब क्वांटिटी क्यों, मतलब ये भी हो सकता है ना कि आप ज्यादा वीडियोस बनाए और कोई उन्हें देख ही ना रहा हूं, और उसके चलते जो है हो सकता है कि आप डीमोटिवेट होकर जो है यूट्यूब भी क्विट कर दें। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तब मैंने अपने लिए गोल सेट करा था कि जब तक मैं अपनी चैनल पे जो है 100 वीडियोस नहीं डाल लेता तब तक मैं YouTube से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। जो मेरी एक चीज़ थी जो कि मुझे जिसमें अच्छा होना था वो था मेरा वीडियो बनाने का स्किल, और जो कि शायद से आज अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो को 100 वीडियो से वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग मोर वीडियोज ऑन यूट्यूब रादर देन फोकसिंग ऑन क्वालिटी। द रीज़न मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया है। तो उस 100 वीडियोस को बनाने से क्या होगा, 100 वीडियोस को बनाने से आपको अपनी नीश पता लग जाएगी कि आपको किस कैटेगरी में वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे फिल्म मेकिंग कह रहा हूँ, वीडियोस बनाना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकंड, आप जो है एक तरह से अपने अंदर एक खुद ही ग्रोथ देखेंगे। आपका जो वीडियो बनाने का स्किल है पहले वो कैसा था और अब कैसा है, तो वो पूरा एक डिफरेंस आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, आपके चैनल पे 100 वीडियोस हैं, इट मींस कि अगर मैं आज आपके चैनल को देखता हूँ तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेंट है जिसे कि मैं कंज्यूम करके आपके बारे में पता लगा सकता हूँ, जो कि आपके फैन से या फिर आपके सब्सक्राइबर्स से आपको जो है और भी ज़्यादा कनेक्ट करती है। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू फर्स्ट एम फॉर दी नंबर ऑफ वीडियोज जितनी आप बना सकते हैं। लाइक 100 वीडियोज बनाइए, 50 वीडियोज बनाइए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज फोकस ऑन दी क्वान्टिटी रादर देन क्वालिटी। सो यस, दीज आर सम 3 मेन टिप्स जो कि शायद से मैं उस बंदे को देता जो कि शायद से अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने वाला है या फिर शायद से 1,000 सब्सक्राइबर्स पे है। सो आई होप कि इन टिप्स को देख के जो है आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, या अगर आपके पास भी कोई टिप्स है तो आप प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, बाकी आप लाइक कर सकते हैं। बाकी आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज।